अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 स्टैंडर्ड 10। पहला टॉपिक सकली कशिश पार्ट 5। एसएसए उर्दू हाई स्कूल सोलापुर से शबनम सैयद ऑनलाइन क्लास पेश कर रही हैं। आज हम ज़मीन की सकली कुव्वत अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पेज नंबर 7 पर हल करदा मिसालें 2 समझेंगे। ज़मीन अपने करीब की तमाम अशिया को सकली कुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। ज़मीन का मरकज़ कमियत इसके मरकज में होता है, इसीलिए किसी भी शय पर ज़मीन की सकली कुव्वत ज़मीन के मरकज की सिमत होती है। इस कुव्वत से शय उफक के उमूदी सिमत सीधी नीचे गिरती है। उसी तरह जब हम किसी पत्थर को उफक की उमूदी सिमत में ऊपर फेंकते हैं, तब ये कुव्वत उसे नीचे की जानिब कशिश करती है और इसकी रफ्तार कम करती है, यहाँ तक कि रफ्तार सिफर हो जाती है। सकली कुव्वत की वजह से पत्थर ज़मीन की जानिब आने लगता है। मिसाल नंबर 1। पिछली मिसाल के मुताबिक अब्दुस्समद पर अमल करने वाली ज़मीन की कुव्वत कशिश मालूम कीजिए। पिछली मिसाल यानी सफ़ा नंबर 6 में अब्दुल बासित के ज़रिए अब्दुस्समद पर अमल करने वाली सकली कशिश की कुव्वत हम मालूम किए हैं। पिछली मिसाल में उसकी कीमत आई थी 4.002×10⁻⁷ कुव्वत न्यूटन। इस मिसाल में अब्दुस्समद पर अमल करने वाली ज़मीन की कुव्वत कशिश मालूम करना है। मालूमात दी हुई है, अब्दुस्समद की कमियत हमको मालूम है m2 = 75 किलोग्राम। ज़मीन की कमियत है m1 = 6×10⁴ कुव्वत किलोग्राम। ज़मीन का नसफ कुतर r = 6.4×10⁶ मीटर और जी कायनाती मुस्तकिल 6.67×10⁻¹ कुव्वत न्यूटन मुरब्बा मीटर फी मुरब्बा किलोग्राम। इस तरह हम ये मालूमात यहाँ पर दर्ज किए m1, r, m2 और g की कीमत। अब हम मालूम कर रहे हैं अब्दुस्समद पर ज़मीन की सकली कुव्वत। ये ज़मीन है, इस पर अब्दुस्समद, इसकी कमियत है m2 और ज़मीन की m1। तो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे f = g m1 m2/r की दूसरी कुव्वत। g की कीमत दर्ज करेंगे 6.67×10⁻¹ कुव्वत न्यूटन मुरब्बा मीटर फी मुरब्बा किलोग्राम यहाँ पर दर्ज किए। उसी तरह m1 6.10×24 कुव्वत किलोग्राम m2 75 किलोग्राम और r 6.4×10⁶ कुव्वत r की जगह पर हम डालेंगे और उसकी दूसरी कुव्वत r की दूसरी कुव्वत है, इसलिए अब इसको हम हल करेंगे।
10 की मनफी 11 कुव्वत को और 10 की 24 कुव्वत को हम पीछे लेंगे। 10 की मनफी 11 जमा 24 और 6 ज़रब 75 को आगे लेंगे। इस तरह 6 6 7 ज़रब 6 ज़रब 10 ज़रब 75 ज़रब 10 की मनफी 11 जमा 24 बटे। अब ये कॉस खोले हम 6 6 4 की दूसरी कुव्वत है, इसलिए इसको दो मरतबा लिखेंगे। 6 6 ज़रब 6 6 4 ज़रब 6 6 4 ज़रब 10 की छठी कुव्वत की दूसरी कुव्वत है, इसलिए 6 ज़रब 2 10 की 6 2 12 कुव्वत। इस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अशारिया हटाएंगे। नीचे 6 अशारिया 4 ज़रब 6 अशारिया 4 इसमें अशारिया है, ये नसब नुमा में, ये भी नसब नुमा में है। नसब नुमा में अशारिया वाले अदाद नहीं रखे जाते, तकसीम करना हो तो अशारिया हटाना होगा। ये एक मुकाम और ये मुकाम, इस तरह दो मुकाम अशारिया हटाएंगे। तो नीचे दो मुकाम अशारिया हटाए, इसलिए ऊपर दो मुकाम अशारिया हटाएंगे। तो इस तरह ये अदद होगा 667 बटे ये 64 ज़रब 64 और ये दोनों का ज़रब करेंगे 6 ज़रब 75 6 5 30 6 7 42 और 3 45 ज़रब। 10 की मनफी 11 जमा 24 कितने में 13 और नीचे 10 की 12 ऊपर लिए से शुमार को निंदा मिलिए तो नफी 12 होगा। ज़रब 667 ज़रब 450 ये ज़रब कर लें आप। उसी तरह 64 ज़रब 64 ये ज़रब करें। इस तरीके से यहाँ पर चेक करें, सिफर लगाएंगे पहले 5 7 35 के 5 हासिल है 3 5 6 30 और 3 33 के 3 हासिल है 3 5 6 30 और 3 मिलाए 33। उसके बाद तीसरे मुकाम से हम ज़र्ब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दो मुकाम छोड़ेंगे और जो ज़र्ब है वो आगे लिखेंगे। 4 7 28 8 हासिल है 2 4 6 24 और 2 26 हासिल है 2 4 6 24 और 2 26। इस तरह जमा करेंगे, 0 5 8 और 3 11 हासिल है 1 6 और 3 9 और 1 10 सिफर हासिल है 1 6 और 3 9 और 1 10 सिफर हासिल है 1 2 और 1 3। इस तरह ये आया 3,150। इसको उठाकर हम यहाँ पर लिखेंगे। तीन लाख 150। उसी तरह 64 ज़रब 64 करके यहाँ पर चेक कर लो। 4 4 16 6 हासिल है 1 4 6 24 और 1 25 6 4 24 ये खाना छोड़ना है, दूसरे खाने से हम ज़रब करते वक्त एक खाना छोड़ेंगे। 6 4 24 के 4 हासिल है 2 6 6 36 और 2 38 6 जमा करेंगे, 5 और 4 9 2 और 8 10 6 5 और 4 9 2 और 8 10 की सिफर हासिल है 1 3 और 1 4। इस तरह ये 4,096 उठाकर हम यहाँ पर लिखेंगे, तकसीम 4,096। अब ये 10 से ज़रब करने पर यहाँ पर एक सिफर बढ़ जाएगा तो 30,01,500 हो जाएगा। उसको 4,000
96 से तकसीम करना है, वो भी कर लो और यहाँ पर चेक करो 30,01,500 को 4,096 से तकसीम करेंगे। पहले अंदाज़ा मालूम करेंगे, चार का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिसके अंदर तक 4 7 28 तो हम 7 से ज़रब करके देखेंगे, तो ये 7 से ज़रब करने पर 28,672 आया, उसको उठाकर यहाँ पर लिखेंगे, इससे छोटा है इसलिए लिखकर ये नफ़ी करेंगे, नफ़ी करने पर यहाँ पर इतना आया। इसमें अगला हम सिफर उतारे, सिफर उतारने के बाद फिर जो है इसे तकसीम करना है, चार का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 2 8 4 3 12 तो अंदाज़ा 4 3 है ना, तो 3 से ज़रब करके हम बाजू में देखेंगे कितना आता है, ज़रब करने पर 12,288 आया, ये इससे छोटा है इसलिए इसके नीचे लिखकर नफ़ी करेंगे, नफ़ी करने पर आया 1,142। फिर और अगला सिफर उतारे, फिर और अंदाज़ा हम देखेंगे, 11 से कम आना, 4 का पहाड़ा पढ़ने का, 4 2 8 तो अब हम जो है उसको 2 से ज़रब करके देखेंगे, 4,096 ज़रब करने पर आता है 2 से 8,192 जो इससे छोटा है, तो हम ये ले सकते हैं। इस तरह 4,096 2 8,192 नफ़ी करने पर 3,228 आया। अब सिफर ख़त्म हो गए हैं, अब हम आश्चर्य लगाकर अगला सिफर लेंगे, यहाँ पर भी आश्चर्य आएगा। अब फिर वही करना है हमको, 4 का पहाड़ा 32 के अंदर तक देखना है, 4 7 28 तो 7 से ज़रब करने पर 28,672 आता है, तो इस तरह यहाँ पर नीचे लिखेंगे और नफ़ी करेंगे, तो ये 4,096 यहाँ पर आया, तो इस तरीके से जवाब आया 732.7। अब इसको हम उठाकर यहाँ पर लिखेंगे अपने, तो ये 7.7 है, हमको उसको छोड़ना है, तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, 733 न्यूटन। तो ज़मीन की कशिश की कुव्वत यानी शक्ली कुव्वत 733 न्यूटन है। तो ये कुव्वत इससे पहले जो मिसाल हम हल किए हैं उसके कितने गुना हैं ये मालूम करना है, तो इससे उनके दरमियान कुव्वत से तकसीम करना होगा। तकसीम करने पर अगर इस तरह हम करेंगे तो जवाब हासिल होगा। अब्दुल समद पर पहली मिसाल सफ़ा नंबर 6 पर शक्ली कुव्वत जो दी गई है वो 4.0002010 की मनफी 7 कुव्वत हम मालूम किए हैं, तो इससे तकसीम करना है। ये जो है ज़मीन की शक्ली कुव्वत है, ये दो अजसाम के दरमियान यानी अब्दुल समद और अब्दुल बासित के दरमियान की शक्ली कुव्वत है, इससे तकसीम करने पर जवाब आता है 1.83×10 की नवीं कुव्वत, यानी कितनी ज़्यादा है, 10 की नवीं कुव्वत मुस्बत कुव्वत है, यानी ये बहुत ज़्यादा कुव्वत है, बड़ी कुव्वत है, इसका ये अंदाज़ा हम इस पर से लगा सकते हैं, तो ये आखिर में बताया गया है इसलिए ये यहाँ पर लिखना है, ये कुव्वत अब्दुल समद और अब्दुल बासित के दरमियान शक्ली कुव्वत का 1.83×10 की 9 कुव्वत गुना है। मिसाल नंबर 1 अपनी बयाज में लिख कर लें।
सफा नंबर 7, मिसाल नंबर 2। जमीन की कुव्वत कशिश की वजह से बुलंदी से नीचे गिरते हुए हालत सुकून से हरकत में आने के एक सेकंड के बाद अब्दुल समद की रफ्तार क्या होगी। मालूमात दी गई है, हालत सुकून में है, यानी अब्दुल समद हालत सुकून में है। यू बराबर सिफर, ये अब्दुल समद की इब्तदाई रफ्तार है। इस पर सकली कुव्वत अभी हम मालूम किए एफ बराबर 733 न्यूटन। अब्दुल समद की कमियत हमें मालूम है 75 किलोग्राम। गिरने की रफ्तार टी बराबर एक सेकंड दी हुई है। अब ये मालूमात की बिना पर हम मिसाल हल करेंगे। तो मालूमात हम लिख कर लिए, यू बराबर सिफर, यानी अब्दुल समद साकिन हालत में है उस वक्त, उसकी रफ्तार यू बराबर सिफर है। एफ 733 न्यूटन, एम 75 किलोग्राम, टी एक सेकंड। अब हमें रफ्तार मालूम करना है। रफ्तार मालूम करने के लिए हमको इसरा मालूम करना होगा, और इसरा का ताल्लुक कुव्वत के साथ है, और ये ज़ाब्ता हमको मालूम है एफ बराबर एम ए। हमको ए मालूम करना है, इसलिए एम हम यहाँ पर नीचे लेंगे, एफ बटे एम बराबर ए, यानी ए बराबर एफ बटे एम। तो ए बराबर एफ की कीमत 733 बटे एम 75। उसे तकसीम करेंगे 733 को 75 से, या आप तकसीम कर लो और यहाँ से चेक कर लो। 733 को 75 से तकसीम करने पर 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 × 7 और आगे और बाकी बच रहा, इसलिए 9 से ज़र्ब करके हम देखेंगे 75 90। ज़र्ब करने पर 675 आया, जो 733 से कम है, तो हम वो लेंगे। इस तरह नफ़ी करने पर 58 आया। यहाँ पर अदद ख़त्म हो गए, अशारिया लगाकर अगला सिफर लेंगे और अशारिया यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह 580 हुआ, 7 का पहाड़ा यहाँ पर देखेंगे, 75 दहाए 750, ये ज़्यादा होगा, 756 ये भी ज़्यादा होगा, 749। तो 7 से ज़र्ब करके देखेंगे हम, 7 से ज़र्ब करने पर 525 आया। तो अब यहाँ पर जो है 75 7 525, नफ़ी करने पर 55 आया। अगला सिफर उतारे आचार्या लगाकर, आगे की हम कितने भी सिफर ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर फिर दोबारा 7 से तकसीम जाता है 75 7 525, क्योंकि अगर आर से ज़र्ब करके लेंगे तो ज़्यादा आएगा, इसलिए कम वाला लेना है। इस तरीके से जवाब आया 9.77। तो ये तकसीम हम यहाँ पर लिखेंगे, 9.77 मीटर फी मुरब्बा सेकंड, ये इसरा हमको मालूम हुआ। अब हमको रफ्तार मालूम करना है। रफ्तार मालूम करने के लिए हम न्यूटन की हरकत की पहली मसावत इस्तेमाल करेंगे, वी बराबर यू जमा ए टी। वी बराबर यू मालूम हमको सिफर, और ए हम अभी मालूम किए 9.77, है ना। यू बराबर सिफर, क्योंकि साकिन हालत है, इसलिए ए बराबर हम मालूम किए 9.77, टी बराबर एक सेकंड। तो अब ये सिफर जमा करने पर कुछ फ़र्क नहीं होगा, और ज़रब एक करने पर भी वही अदर आएगा, 9.77 मीटर फी सेकंड। ये रफ्तार कितनी गुना है
जो दूसरी मिसाल में हम मालूम किए, यानी सफ़ा नंबर 6 पर जो दूसरी मिसाल है उसमें अब्दुलसमद की अब्दुलबासित की तरफ सरकने की जो रफ़्तार है उसके कितने गुना है मालूम करना है। तो हम इस तरीके से करेंगे, गुना बराबर रफ़्तार बटे ये जो पहले की रफ़्तार है उससे तकसीम करेंगे। अभी की रफ़्तार है 9.77 मीटर फी सेकंड और पहले की जो रफ़्तार है 5.34×10 की मनफी 9 कुवत, इससे तकसीम करने पर जवाब आता है 1.83×10 की 9 कुवत मीटर फी सेकंड। तो ये रफ़्तार इतनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इस तरह ये रफ़्तार सफ़ा नंबर 6 की मिसाल नंबर 2 में अब्दुलसमद की रफ़्तार के 1.83×10 की 9 कुवत गुना है। मिसाल नंबर 2 अपनी बयाज में लिख कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए। नए वीडियोस पाने के लिए ज़ैन मकतब को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।